उज्जैन अजाक्स संघ के पदाधिकारियों ने शहर के मीडिया कर्मियों और समाज सेवियों का सम्मान किया। इसके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिवर्ष नए साल में सम्मान समारोह आयोजित करने का रहता है, ताकि उज्जैन जिले के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया जा सके। साथ मिलन समारोह के माध्यम से प्रेम, भाईचारा और सद्भावना बनी रहे, उसी को लेकर प्रतिवर्ष नव वर्ष के दौरान अजाक्स यह कार्यक्रम आयोजित करता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 2020 के दुखद अलविदा के बाद 2021 आया। नववर्ष की मन सौगात लेकर पूरे कर्मचारियों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी उज्जैनवासियों के लिए सबके कल्याण की भावना के साथ अजाक्स द्वारा नववर्ष मिलन समारोह आज आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारी उनको बुलाया गया, ताकि हमारा जो संदेश है गाँव गाँव तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, सबके कल्याण करी भावना। कितने वर्षों से आयोजन होता है ये आयोजन? हम प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। संविधान की वाचन जो है हम लगातार, मतलब पिछले साल हमने करीब करीब 46 दिन तक किया था, इस बार भी हम लगातार करते रहे। ठीक है, आज सर नववर्ष मिलन समारोह हमारा अजाक्स और सभी सामाजिक संगठन, सभी कर्मचारी संगठन और समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान की मूल भावना को हमको प्रेरित करता है, समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने की जो बात करता है भारत का संविधान, उसकी मूल भावनाओं को लेकर ही आज का मिलन समारोह हमने आयोजित किया है। और इसको लेकर हम भारत के प्रत्येक नागरिक को, जैसा कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार दिए, कर्तव्य पर हम चलते रहें, इसी मूल भावनाओं से लेकर हमारी सामाजिक समरसता स्थापित रहे और इसी शुभकामना देते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।